हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो शंपा एंड पीहूज ब्लॉग और मेरे चैनल पे आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं। और अभी मैं बना रही हूँ चाय मेरे और पीहू के लिए। दूध में मैंने चीनी डाला, अब मैं इसमें पानी डालूंगी 2 कप, क्योंकि पिनाकी के लिए चाय मैं बना के रखूंगी। अभी पिनाकी आने वाले हैं थोड़ी देर में, इसलिए मैं एक साथ चाय बना रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल दिया चाय पत्ती। अभी चाय में उबाल आने तक हम कुछ देर रुकेंगे। अभी देख सकते हैं आप लोग, चाय में उबाल आ गई है। अब मैं इसको ढक कर रखती हूँ 2 मिनट के लिए। अभी देखो मेरी चाय बन के रेडी हो गई है और इसकी कलर कितनी अच्छी आई है। अब इस चाय को दोनों कप में मैं छांक लूंगी थोड़ा सा मेरे और पीहू के लिए, और बाकी चाय को मैं ढक के रखूंगी। अभी मैंने पीहू को चाय दिया है, चाय के साथ बिस्किट दिया है, वो चाय के साथ बिस्किट को एंजॉय कर रहा है। वो कोई भी चीज हाथ से नहीं खाता है, सिर्फ ये बिस्किट ही चाय में डुबो के हाथ से खाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने ब्लॉग को हिंदी में कर रही हूँ। इसका रीज़न यही है कि मेरी जो हिंदी मतलब नॉन बंगाली व्यूअर्स है, तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है। वैसे मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं उतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं सकती, इसलिए मेरा मेरी जो ब्लॉग है वो मैं बंगाली में करती थी। लेकिन मेरी जो नॉन बंगाली व्यूअर्स है, तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपने ब्लॉग को हिंदी में बनाऊं, इसलिए आज के ब्लॉग उन लोगों के नाम है जो मेरे नॉन बंगाली व्यूअर्स है। तो बोलने में कुछ भूल चूक हो गई, तो मुझे प्लीज आप सब लोग माफ करना। और मेरी जो बंगाली व्यूअर्स है वो लोग भी आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हाँ जाबो बाबा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज मुझे ये ब्लॉग हिंदी में बनाना है। तो इसलिए आपने पहले से ही देखा, मैंने जो चाय बनाई तब मैं हिंदी में बात कर रही थी,
तो यही रीजन है मेरी ये ब्लॉग हिंदी में बनाने की। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी भूल चूक हो जाए या ज़्यादा भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना। तो ठीक है, आप लोग देखते रहो। पिनाकी तो अब तक ऑफिस से नहीं आई, अभी 6:10 हुआ है, वो अभी ऑफिस से नहीं आए लेकिन आने वाले हैं, शायद 5-10 में वो आ जाएंगे। फिर आप लोग मेरे संग रहो। सॉरी, क्या बोलते हैं, मुझे मतलब मुझे थोड़ी सी तो दिक्कत होगी क्योंकि हिंदी में आदत नहीं है ना, तो आप लोग मेरे साथ रहो और देखते रहो कि मैं क्या क्या करती हूँ। ठीक है, अभी मैं पीयू के साथ बैठ के अपनी नेल पेंट को चेंज कर रही हूँ। पहले का एक कलर था लेकिन वो बहुत दिनों से मैंने चेंज नहीं किया था, इसलिए मैं अभी कलर को चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा टाइम है और इस टाइम में मैं क्या करूँ वो सोच के फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी अपना नेल कलर लगा लेती हूँ। अभी मैं पीयू को भी लगाऊंगी। तो क्या है ना, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच गया था और बहुत दिनों से मैंने नेल कलर को चेंज नहीं किया था, तो वही सेम कलर ग्रीन 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 बहुत दिनों से चल रहा था और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था कि नेल कलर को मैं चेंज करूँ। तो आज थोड़ा सा टाइम मिल गया इसलिए मैंने चेंज कर लिया और पीयू को भी चेंज कर, मतलब पीयू को चेंज नहीं, मैंने पीयू को लगा दिया। वो लगाया हुआ मतलब उसके नाखून में कुछ नेल कलर नहीं था तो आज मैंने लगा दिया उसको और हम दोनों ने सेम कलर लगाया, पिंक कलर लगाया। तो अब कुछ दिन तक ये पिंक कलर ही रहेगा, फिर बाद में चेंज कर देंगे इसको। बहुत दिनों से मतलब एक ही कलर बहुत दिनों से मुझे तो अच्छा नहीं लगता और किसी का पता नहीं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो बस अभी यही चल रहा है। अभी तो पिनाकी अभी 6:20 हुआ है, पिनाकी अब तक नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। और एक कप चाय मैंने पी लिया था पहले, मुझे फिर से चाय पीना है क्योंकि सुबह के टाइम पे मुझे चाय दो या ना दो लेकिन शाम के टाइम पे मुझे चाय चाहिए। और लाइट भी चला गया इसलिए अंधेरा हो गया थोड़ा सा, अभी इधर का लाइट तो आते जाते रहता है, पता नहीं क्या होगा बाद में। तो ये सब कुछ चल रहा है और मेरे फ्लैट के बाहर की जो व्यू है वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। बस खिड़की से इतना ही दिखता है। और अभी पता नहीं पीहू क्या करने वाली है क्योंकि लाइट चले जाने से उसको बहुत तकलीफ होती है गर्मी में। अभी ये इसके पीछे लग गए हैं, टूटी फूटी के पीछे। अभी आप लोग देख सकते हो कि पिनाकी ऑफिस से आ चुकी है और ऑफिस से आने के बाद मेरी बेटी ने क्या किया, उसके हाथ से मोबाइल लेकर भाग गई है क्योंकि उसके पापा आते ही उसके पापा की फोन उसे चाहिए। मतलब मेरे और पिनाकी के फोन सेम है लेकिन वो मेरी फोन नहीं लेता है, वो अपनी पापा के फोन ही लेता है। अभी बाथरूम में पानी खत्म हो गई है इसलिए मैं पिनाकी को पानी दे रही हूँ बकेट में।
अभी इस तरफ थोड़ा सा अंधेरा है कि दरवाजा लगाया हुआ है। और पीहू ने क्या किया, घर में बहुत पानी फेंका, इसलिए उसे मैं पोछा लगा रही हूँ। अगर नहीं लगाऊंगी तो पीहू कभी भी गिर सकता है, मतलब गिर सकती है। इसलिए मैं अच्छे से इसको पोछा लगा रही हूँ ताकि कोई भी पानी फ्लोर पे ना रहे। सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी गिर सकते हैं, इसीलिए मैं पानी मतलब गिरते ही तुरंत पोंछ लेती हूँ। अभी मैं लाई हूँ पिनाकी के लिए चाय, और मैं भी फिर से चाय पीऊंगी। पहले एक कप पी चुकी हूँ लेकिन फिर से एक कप पीऊंगी मैं। अभी पीहू तो पहले मैं दिया था उसको चाय के साथ बिस्किट, लेकिन वो नहीं खाया। जबरदस्ती मैं एक बिस्किट उसको खिलाया था, इसीलिए उसके पापा के साथ फिर से मैंने उसको बिठा दिया चाय बिस्किट लेके, कि उसके पापा के डर से वो थोड़ा सा खाए। अभी चल रहा है पापा की और बेटी की मस्ती। उसके पापा ऑफिस से आते ही ये दोनों चालू हो जाता है मस्ती मस्ती में। अभी हम लोग सब चाय पी रहे हैं, शाम की चाय है ये। चाय पीते पीते हम लोग थोड़ा सा बातें कर रहे हैं, दिन भर की बातें, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। अपनी बैल्कनी में ये पीछे का जो दिख रहा है इसको इग्नोर कीजिए प्लीज। तो बैल्कनी में तो ये सब रहता है, हर किसी के घर में रहता है, तो ये सब तो चाहिए ही, घर की साफ सफाई में ये काम आते हैं। तो कहीं पे तो रखना होगा, तो फ्लैट में तो जगह उतना मिलता नहीं है जिधर मतलब बैल्कनी के अलावा इधर मतलब कहीं पे रख भी नहीं सकते, तो इसीलिए इधर रखे हैं। तो इसको इग्नोर कीजिए आप लोग। तो पिनाकी तो अभी चाय पी रही है, मैं पहले एक कप चाय पी चुकी थी, फिर से एक कप चाय मैंने पिनाकी के साथ पिया, और अभी मैं बाहर आ गई मेरी बैल्कनी में, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है। लाइट आ चुकी है लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। तो बाहर का नज़ारा आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। ये रहा मेरे फ्लैट की बाहर की नज़रिया। आप लोग देख ही सकते हो कि कितने अच्छे लगते हैं। बच्चे इधर खेल रहे हैं, पीहू भी जाती है, हाँ पिनाकी भी आ चुकी है बालकनी में, और पीहू भी जाती है इधर खेलने के लिए बच्चों के साथ। अभी उसके पापा आ गए हैं, उसके पापा के साथ थोड़ी देर में जाएगी नीचे। पिनाकी भी आ चुकी है बालकनी में, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हाय, हेलो फ्रेंड्स, तो आज का शाम बहुत हस्ती है। शाम नहीं हुई अब तक, दिन ही है। तो नहीं, शाम हो चुकी है, साढ़े छह बज गए हैं, तो शाम हो चुकी है। तो फिर ये क्या है कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं लेकिन गर्मी का कम होने का तो नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल तो बारिश तो होना चाहिए, इधर तो बारिश ही नहीं होता है। हमारे वेस्ट बंगाल में कितनी बारिश होती है ना, कितनी बारिश। आप इधर आ जाओ क्योंकि वो झाड़ी दिख रहा है, इधर आ जाओ। वो भी औसारी नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता ना दिखने में। अभी क्या है कि इतना पानी मतलब ऐसा होना चाहिए। और क्या है कि मेरे को लगता है कि औरंगाबाद में और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए सबको, क्योंकि इधर जितना मतलब बारिश का कमी है ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, अगर हम लोग इसके ज्यादा और तुलना सिर्फ औरंगाबाद, हाँ, पूरा कंट्री में, अभी पेड़ लगाना चाहिए, पूरा विश्व में, सालों साल वाले बहुत बात। अभी थोड़ा सा कुछ नॉर्मल बातें करते हैं, हालांकि अभी तो जाना है। हम बोलते सभी है लेकिन करते हम भी नहीं है वैसे, लेकिन सबको करना चाहिए वैसे ना, सबको ही करना, हाँ, सबको करना चाहिए, जिम्मेदारी। कितनी अच्छी लगती है ना, अगर अगर अभी अगर समझो कि अगर बारिश थी मस्त एकदम, बहुत मजा आ जाता है यार ये बारिश की वजह से ना एकदम मतलब। लेकिन वेस्ट बंगाल में सच बोलो तो बहुत बारिश होती है।
मतलब इतनी बारिश का मुझे तो पहले कोई आइडिया नहीं था, पिनाकी बोलते थे, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि पानी मतलब पानी का इतना तंगी मैंने कभी नहीं देखा अभी मैं वो बैंगलोर में रहते थे शादी से पहले, तो उनको थोड़ा सा पता है होंगे, अभी तो बैंगलोर में उतना पानी का एक्चुअली मैं जब बैंगलोर पे गया था मैं पढ़ाई करने के लिए, इट वाज अ ईयर 2003 जब मैं मतलब बीएससी करने के लिए गया था, तो मेरे जो सीनियर्स थे वो लोग जब पढ़ने के लिए गए थे तो बोलते थे वो जब मतलब मैं जो सीनियर्स के साथ रहते थे वो जब शिफ्ट किए मेरे साथ, तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि उनके रूम से सिर्फ 20 या 25 सिर्फ वो कलश होते हैं ना मटकी, वो प्लास्टिक का मटकी, वैसे सिर्फ मटकी निकली, कैन यू इमेजिन 25 मटकी। तो मैं अपने भैया लोगों को पूछा कि भैया ये आप लोग इतना मटकी क्यों रखते हो, बोले कि भाई अभी तो पानी का कुछ नहीं है, पहले बहुत पानी का प्रॉब्लम होता था। तो वो स्टेज से बैंगलोर अभी ऐसा स्टेज पे गया है कि अभी वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप बैंगलोर सिटी गए। हेलो फ्रेंड्स, अभी तो रात के 8 बजे है और अभी तक मैंने अपना खाना नहीं बनाया, मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया, हाँ बनाई, चावल बन गई मेरी, लेकिन सब्जी बनानी बाकी है, और सब्जी मैं आज बनाऊंगी हमारे बंगाली में बोलते हैं उसको डिम भापा, मतलब मतलब अंडा करी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो आप लोग देख लेना मैं कैसे बनाती हूँ। और उसके लिए मुझे चाहिए नारियल, तो पिनाकी अभी क्या कर रही है उस नारियल को छिल रही है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये आप लोग देख सकते हो कि पिनाकी अभी नारियल छिल रही है और अपने पूरे जोर लगा रही है इस नारियल को छिलने में। नारियल छिलते छिलते मतलब पिनाकी के मुंह के जो हंसी है वो गायब हो चुकी है। अभी देखो पीयू कैसे देख रहा है उसके पापा को, वो सोच रहा है कि पापा इसको लेके क्या कर रहा है। नहीं, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है नारियल को छीलने में, क्योंकि बहुत सूख गई है, बहुत दिनों से मेरे घर में है, ये छीलने के वजह से हम लोग खा नहीं पा रहे थे। अभी अंडा करी बनाने के लिए मैं इधर मसाले तैयार कर रही हूँ, इधर मैं नारियल को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में टुकड़े करके रख रही हूँ, अभी इसमें मैं सारे मसाले को काट लूंगी, फिर एक साथ एक पेस्ट बना लूंगी। इधर मैं चार मतलब ग्रीन चिली मैंने लिया, अभी मैं अदरक को छील रही हूँ, इसको भी मैं टुकड़े करके लूंगी। अभी मैं लहसुन लूंगी, लहसुन के कलियों को अच्छे से छील के मैं फिर ऐसे कटोरी में रख रही हूँ। अभी अंडा को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, अभी उसका छिलका निकलना बाकी है। ये मसाले रेडी हो जाए फिर मैं उसकी छिलका भी निकालूंगी। अभी मैंने लिया एक टमाटर, और एक प्याज, इसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़े में करके लूंगी।
वैसे तो मेरे पास कटिंग पैड है, लेकिन थोड़े से मसाले के लिए मैं यूज नहीं करती हूँ, ऐसे ही काट लेती हूँ। अब इन सारे मसालों को मुझे अच्छे से धोना है। वैसे बाजार से लाने के बाद मैं धो के रखती हूँ, लेकिन काटने के बाद मैं फिर से एक बार धो लेती हूँ अच्छे से इसको। अभी मुझे ये साफ सफाई करना है जो भी गंदा हुआ है। ये सारे छिलके मैंने हटा दिए और अच्छे से पोछा लगा लिया इधर, क्योंकि साफ सुथरा किचन मुझे अच्छा लगता है। अब ये सारे मसाले को मैं पेस्ट करके लूंगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, आप लोग इसे क्या बोलते हो पता नहीं, हम लोग इसे पोस्तो बोलते हैं बंगाली में। अभी ये पोस्तो हमने लिया एक चम्मच। अभी मैं अंडे का छिलका निकाल रही हूँ और वो सारे मसाले का मैंने एक पेस्ट बना लिया। इधर मैंने लिया 3 अंडे। अभी सारे अंडे का छिलका निकाल लिया मैंने। अभी इसको भी मैं साफ कर लूंगी। अभी मैंने तवे पे सरसों का तेल डाला। आप मतलब कोई भी तेल से ये कुक मतलब ये डिश आप कर सकते हो। आप घर पे जो मतलब कुकिंग ऑयल यूज करते हो उसी से आप ये बना सकते हो। हम लोग सरसों के तेल यूज करते हैं, इसीलिए हमने सरसों के तेल डाला। और तेल के अंदर मैंने जीरा डाल के फिर उसको फ्राई करके सारे मसाले को डाल दिया और अंडा भी डाल दिया। अब मेरे घर में लाइट चली गई है, इसलिए चार्जर को लेके मैंने पैन को गैस में चला दिया है। हेलो, तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, अब देखो फ्रेंड्स फिर से लाइट आ गई है तुरंत, और मैंने गैस से लेके फिर से इसको इंडक्शन में चला दिया है। चली गई थी बीच में, तो पिनाकी चार्जर लेके खड़ी थी और मैं मतलब पैन को इंडक्शन से गैस में चला रही थी, लेकिन ऐसे करते करते फिर लाइट आ गया तो मैं गैस बंद करके फिर इसको इंडक्शन में चला दिया। और आपने देखा मैंने पहले तेल गरम किया, उसमें जीरा डाला थोड़ा सा, और उसको फ्राई होने के बाद मैंने ओवन बंद कर दिया था। फिर मैंने जो मसाला रेडी किया था, जो पेस्ट रेडी किया था, वो पेस्ट और अंडा सब एक साथ लेके मैं तेल में चला दिया और एक साथ मैं 15 मिनट इसको ऐसे ही ओवन को मैंने एकदम कम कर दिया। आप देख सकते हो अभी धीरे धीरे 15 मिनट में ये करी, अंडा करी है जो, ये रेडी हो जाएगा। बस ऐसे ही बनता है ये, आप लोग पता नहीं कैसे बनाते हो, लेकिन हम ये जो अंडा करी है, वैसे तो हम लोग डिफरेंट मतलब स्टाइल में बनाते हैं अंडे को, लेकिन आज जो बना रही हूँ वो यही से मतलब ऐसे ही मैं बनाती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी ऐसे ही बनाते हैं इसको। तो बाद में इसमें थोड़ा सा मैं वो सरसों की जो तेल है एकदम लास्ट में मैं थोड़ा सा इसको डालूंगी, इसमें बस हो जाएगा मेरा रेडी। और पता नहीं क्यों मैं गैस मतलब मुझे इंडक्शन में कुकिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें टाइम भी अच्छे से सेव कर सकती हूँ मैं,
इसलिए मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं लाइट आ जाने के बाद गैस बंद करके मैं फिर से इंडक्शन में बना रही हूँ खाना। तो चलिए चलते हैं क्योंकि किचन में बहुत गर्मी है और अभी घर जाते मतलब सॉरी अभी क्या बोलूं अभी दूसरे रूम पे जाते हैं क्योंकि किचन में बहुत गर्मी है। अभी इधर चल रही है पीहू की पढ़ाई, पढ़ाई कम और बदमाशी शैतानी ज्यादा चल रही है। अभी उसके पापा उसको लेके बैठे हैं पढ़ाने के लिए। बिस्तर का हाल देखो, बिस्तर से ज्यादा किताब का हाल देखो। हाँ तो चलिए हम लोग उस घर में चलते हैं क्योंकि इस घर में तो पढ़ाई वराई हो रही है और मेरी खाना भी उधर बन रही है। तो चलो अभी हम इधर बैठ जाते हैं, अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों से। वैसे आप लोगों जो मैं हिंदी मतलब नॉन बंगाली व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता नहीं है शायद, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा नाम है शंपा दास, मेरे हस्बैंड के नाम है पिनाकी रंजन दास और मेरी बेटी का नाम है पीहू, मतलब उसके स्कूल का जो नेम है। हम लोगों को बंगाली में दो नाम रखा जाता है, एक घर का नाम एक स्कूल का नाम। तो उसके मतलब मेरी बेटी का स्कूल का जो नेम है वो है स्तुति दास और हम लोग घर में उसको पीहू बोलते हैं और सोना भी बोलते हैं, मामूनी भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन घर का जो उसका नाम है वो है पीहू। तो मेरा ये चैनल का नाम भी वही है, मेरी और मेरी बेटी के नाम पे है, शंपा एंड पीहूज ब्लॉग। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन जो है ना सब्सक्राइब के एकदम पास में जो बेल आइकन है उसको आप लोग क्लिक करो, तो मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो और मेरी वीडियो को एक लाइक करो और प्लीज आपके दोस्तों में और फैमिली में मेरी वीडियो को शेयर करो। अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं आइसक्रीम एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रही हूँ और मैं इधर उधर से खाने लगी हूँ इसको, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इसको फास्ट कर दिया है वीडियो, इसीलिए ऐसे लग रहा है दिखने में। मैं कम कर रही हूँ साउंड को, टीवी के साउंड को, और अभी हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। पीहू का खाना हो गया है और आप लोग देख रहे थे कि मैं आइसक्रीम खा रही थी, वो क्या है ना मेरे घर में पीने का पानी खत्म हो गई थी, तब पिनाकी पीने के पानी लाने गए थे, तब वो हम दोनों के लिए मैंगो आइसक्रीम लाए थे, तो उसी को हम लोग एंजॉय कर रहे थे मैं और पीहू। तो आप लोग को थोड़ा सा दिखाया मैंने और अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं। तो आज रात को हम लोग क्या क्या खा रहे हैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। अभी आज रात का हमारा डिनर है यही, ये है वो अंडा करी और ये है चिकन और उसके साथ है चावल और ये इधर आप लोग क्या बोलते हो इसको, कांदा, हम लोग प्याज बोलते हैं, ये कांदा है इधर और ये है मेरा प्लेट, ये अंडा करी है और ये है चिकन। चिकन बस थोड़ा सा था वो हम लोगों ने दोनों ने मिलके ये थोड़ा सा था वो हम दोनों ने शेयर कर लिया। अभी इसके साथ अंडा करी है बस, और कुछ नहीं चाहिए डिनर के लिए, यही काफी है हम दोनों के लिए। तो हम लोग अभी डिनर करना शुरू करते हैं। ये है पिनाकी, तो हम लोग अभी खाना खाना चालू मतलब क्या बोल रहे हम लोग खाना खाना चालू हाँ खाना खाना चालू करेंगे क्योंकि अभी बहुत रात हो चुका है, अभी 10 बज चुके हैं, अभी नहीं खाएंगे तो बाद में डाइजेस्ट का मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा इसके और थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। तो फिर है ठीक है, आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब मिलती हूँ। और मैं जो कहा था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो और लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये उल्टा उल्टा बोलते रहता है हर टाइम, चलो गुड नाइट बोलो, जबरदस्ती गुड नाइट बोलना है, गुड नाइट बोलो, बुएनोस फ्रेंडस, ओह गुड नाइट, गुड नाइट बोलो ना, गुड नाइट, हाँ तो गुड नाइट फ्रेंड्स, ठीक है आज के लिए इतना काफी है।